इंडिया अलायंस ने 14 पत्रकारों को बैन कर दिया है, क्या ऐसा क्यों किया उन्होंने? देखिए मेरी मर्जी, मैं आपको अपनी बाइट दूं या ना दूं, ये क्या है? आपको नहीं लगता इंडिया अलायंस पे बोल गए? बीजेपी ने 2 महीने से संदीप चौधरी का बैन कर रखा है, जाना उसे, उस पर कोई नहीं बोलता। 7 साल तक एनडीटीवी में रवीश कुमार का इस बीजेपी ने बैन कर रखा था, जाना उस पर कोई नहीं बोला। तो मर्जी है मेरी, मैं आपसे बात करूं या ना करूं। पत्रकारों से फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों छीना जा रहा है? कौन छीन रहा? ये छीन नहीं तो कहेंगे, तो मोदी तो छीन रहा। देखा नहीं मणिपुर पे सवाल किया पत्रकारों ने, मोदी से सवाल किया पत्रकारों ने, तो पत्रकारों के यहाँ छापे पड़ गए, पत्रकारों को जेल भेज दिया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन कौन सकता है? मेरे अधिकार है कि मैं आपका अधिकार छीन सकूं? हाँ, मेरे पास सत्ता, मुझे सत्ता दे दे तो तब तो मैं छीन सकता हूँ। तो छीनती कौन है सत्ता? तो सत्ता में बैठा कौन है? मोदी। तो छीन कौन रहा? मोदी। आज देश की मीडिया 2 गुटों में क्यों बढ़ चुका है? हैं? 2 गुटों में क्यों बढ़ चुका है देश की मीडिया? अब तुम्हारा जमीर बिक जाए तो इसमें मैं क्या करूंगा? जिसका जमीर बिक गया वो तलवे चाटने लगा, जिसका जमीर नहीं बिका वो बात सत्ता की, जनता की करता है। मीडिया का काम क्या होता है? पढ़ के आयोगे जर्नलिज्म, उसमें सिखाया जाता है, सबसे पहला काम सिखाया जाता है कि अगर ये माइक आपके हाथ में आ जाए तो जनता के मुद्दे, वो मुद्दे जो जनता सरकार तक नहीं पहुंचा पाती, ये पत्रकार का काम होता है कि सरकार से सवाल करे, और जो सरकार से सवाल करेगा वो जेल जाएगा। तो सवाल ऐसे होगा, चाइना से फंडिंग होगी, सरकार के खिलाफ बोलना, इसी मोदी से पूछो। हाँ। इसने 2014 के मंच पे खड़ा होकर कहा था कि मोदी जी, वो सरकार तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, सीबीआई तुम्हारी, गवर्नर तुम्हारा, आरबीआई तुम्हारा, सेना तुम्हारी, तो देश में फंडिंग आ कैसे गई? तो जो 2014 में मोदी ने पूछा था, वो आज देश की जनता मोदी से पूछती है कि सरकार तेरी, ईडी तेरी, सीबीआई तेरी, इनकम टैक्स तेरा, रिजर्व बैंक तेरा, सेना तेरी, तो फिर चाइना से फंडिंग आ कैसे गई? और कौन कह रहा फंडिंग आ गई? अगर फंडिंग आई है तो किस पे आई है? तो भ्रष्टाचार करेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे ऐसे लोग? हाँ बिल्कुल, भ्रष्टाचारी सब जेल में होने चाहिए, हैं? तो जिसको मोदी मध्य प्रदेश में खड़ा होकर या राजस्थान में खड़ा होकर कह रहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाले बाज है, और तुरंत 4 दिन बाद उसको डिप्टी सीएम बना दिया, तो ये कौन सी वाशिंग मशीन है, जरा हमें बता दो। तो राजस्थान में इतना क्राइम हो रहा है, कांग्रेस की सरकार है, उन पत्रकारों को वो मुद्दा क्यों नहीं दिख रहा है? तुम्हें मणिपुर क्यों नहीं दिखता? बताओ, मणिपुर की बेटियां दिखी तुम्हें? हाँ, बिल्कुल दिखी है। किसे दिखी? पत्रकारों ने उठाया है, किसे बता, कौन सा पत्रकार है हिंदुस्तान ने उठाया है? तभी तो मोदी जी 36 सेकंड बोल गए। हिंदुस्तान का कौन सा पत्रकार है जिसने अमित शाह से या मोदी से सवाल किया हो? एक पत्रकार हिंदुस्तान का बता दे। पत्रकारों ने ही उठाया, तभी तो संसद में ये बात चर्चा का विषय बना। और जिसने संसद में चर्चा का विषय बना उसे संसद से बाहर कर दिया गया, और जो संसद में खड़ा होकर गाली देता है उसे जो है राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया। इन पत्रकारों को क्यों डर लग रहा है? अब न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है इनको? किसको? जिन पत्रकारों के यहाँ स्पेशल सेल जा रही है। हाँ। अभी सार शर्मा है, उर्मिलेश है, ऐसे पत्रकार हैं, इनको क्यों डर सता रहा है? 100 करोड़ की रिश्वत लेने वाला तुम्हारे तलवे चाटेगा, और जिसपे कोई वही नहीं है। अरे किसको? न्यूज क्लिक को बता रहे हैं वो, तो न्यूज क्लिक को पकड़ो ना। मैं क्लिक में सोते कौन, ये नौकरी करते हैं उसमें, नौकरी करते हैं ये, अपने फैलाने का काम कर रहे थे ना। क्या नफरत फैलाया? एक दिखा कहा जा रहा मोदी जी के जितने भी योजना, तो हमेशा देश विरोधी बातें करते थे। किसने की देश विरोधी? ये सभी पत्रकार जो न्यूज क्लिक में थे। देश के गद्दारों को क्या कहा था? देश का मंत्री बोल रहा था, वो देशभक्ति का था, है ये देशभक्ति था? जिसे राज्य मंत्री से तुमने केंद्रीय मंत्री बना दिया, ये क्या था? तो आप चाह रहे हो कि कोई एक आदमी इस तरह का बातें बोल रहा है किसी मन से, तो सभी पत्रकार भी उसी ले में चले जाए, कि सभी लोग चले जाए? यार एक शब्द दिखाना, उनकी कोई बाइट दिखाना, कौन सी देश गद्दारी में बोली है दिखाना। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कहाँ कह रहा? कैसे लग रहा है? कौन कह रहा? 80-20 की बात कौन करता है? कौन करता है? सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? तो मणिपुर इस देश की का प्रदेश नहीं है क्या? मणिपुर की बेटियों पे बोला है? बोलने की औकात नहीं। आप लोगों को राजस्थान, बंगाल, ये छत्तीसगढ़ क्यों? अरे मुझे बताना, बंगाल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कहां कर्फ्यू लगा है? मणिपुर में लूटे हैं। और राजस्थान में कौन कह रहा हम नहीं बोले? राजस्थान में एक बच्चे को मटका छूने पर उसकी मास्टर बोला, एक बच्चे, एक लड़के को मूछ, ये ताऊ बोला। हमारी रिश्तेदारी नहीं है किसी से भी,
जो देश की जनता के खिलाफ काम करेगी सरकार ये तब बोलेगा। देश के प्रधानमंत्री ने एक मंच से कहा कि संसाधनों पर पहला अधिकार हिंदुओं का है, कैसे देखते हैं? नहीं, हिंदू और मुस्लिम क्या होता है, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है। जिस देश का प्रधानमंत्री देश की जनता को बांटना चाहता हो, इस देश के संसाधनों पर हिंदुस्तान में पैदा होने वाले हर नागरिक का है, ये होना चाहिए ना। ऐसी बात प्रधानमंत्री ने एक मंच से क्यों कही? क्योंकि उसको लगता है जब प्रधानमंत्री का जाने का समय आ जाता है ना, किसी भी नेता का जब जाने का समय आ जाता है तो वो देश में नफरत की आग फैला करके जाता है, और ये वो काम कर रहा है। जैसे इस तरह का उन्होंने बयान दिया, तुरंत इसको एक गरीब से जोड़ दिया, क्या लगता है आपको कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, टारगेट क्या करेंगे, कोई किसी को कितना भी टारगेट कर ले, ये देश है और देश की जनता किसी को टारगेट नहीं करती। देश की जनता सिर्फ अपने रोजगार को, अपने काम को, अपनी सुरक्षा को, महंगाई को, बेरोजगारी को, इनको टारगेट करती है। तो जनता टारगेट करती है, नेता टारगेट नहीं कर सकता किसी को। देश में क्या लग रहा है हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी चुनाव जीतने की पहल में? देखिए, राजनेताओं के लोगों का तो काम होता है फूट डालो राज करो, और बीजेपी और आरएसएस का एक नियम रहा है कि वो पहले से ही हिटलर की नीति पर चली है, अंग्रेजों की नीति पर चली है कि फूट डालो राज करो। तो यही है, फूट डालते हैं राज करते हैं, लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है उसे फूट डालो राज करो पे वो नहीं चलेगी, वो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, किसानों के मुद्दे पर, इन पर अब बात करेंगे।